हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा Z21 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए और सेटिंग पेज में ना आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये साउंड का, साउंड पर आपको इसे सेलेक्ट करना। अब आपको साउंड के इस पेज में नीचे आना है। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन का, ठीक है। इसके ठीक सामने ये जो बटन दे रखा है ना, इसे आपको सेलेक्ट करना है। तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाता है, यानी कि आपकी चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाती है, ठीक है। अभी चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूं। जब भी आप अपने मोबाइल फोन को अपने चार्जर से कनेक्ट करेंगे ना, तो एक साउंड क्रिएट होगा। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, मैंने अपना चार्जर यहां पर रेडी कर रखा है और यहां पर मैं इसे जैसे ही अपने फोन से कनेक्ट करूंगा तो एक साउंड क्रिएट होगा। आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। इस तरीके से एक साउंड क्रिएट होता है और एक वाइब्रेशन भी क्रिएट होता है, लेकिन वाइब्रेशन आपके हाथों में महसूस होगा वो आपको, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग इनेबल करने के बाद एक साउंड और एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है आपके लावा Z21 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना ये चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके फोन में। इसके लिए आपको अपने फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है, जो सेटिंग का नेम है। आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको है ना एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं ना, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे इस तरीके का ये ऑप्शन शो नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड शो हो जाएगा तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्ट इस सेटिंग में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा इस तरीके से। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।